के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। सात को रात में ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा आषाढ़ पूर्णिमा में। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में ही होता है सामान्यतया तीर्थंत में, और यह बहुत लंबा है ग्रहण। रात में 11:55 पर स्पर्श होगा मिथिला में, और 3:49 में ग्रहण का मोक्ष होगा। तो ग्रहण काल में बहुत सी बातें हैं। ग्रहण के आदि में स्नान लिखा है धर्मशास्त्र में, मध्य में आदो स्नानम, मध्ये होम सुरार्चनम, मध्य में ग्रहण के बीच में देवता की पूजा, हवन, जप इत्यादि होता है, और मुच्य माने भवेत स्नान। और जब ग्रहण मोक्ष होता है तो स्नान करना चाहिए, मोक्ष होता रहता है। और ग्रहण काल में स्नान करने से, सामान्य जल में भी स्नान करने से, गंगा में स्नान करने का फल होता है, और गंगा में स्नान करने पर तो अनंत फल होता है, अनंत गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय में बहुत सी बातें निषेध की गई हैं, जैसे सोना, भोजन करना, हल चलाना, पृथ्वी को खोदना, मलमूत्र त्याग करना, ये सब निषिद्ध माना गया है ग्रहण काल में। किंतु जो बच्चा है, आतुर है, आतुर मतलब जो रुग्ण है, जो वृद्ध है, उसको इसके लिए धर्मशास्त्र में छूट दी गई है। राशि के हिसाब से ही यह ग्रहण किसी के लिए अशुभ, विशेष अशुभ माना जाता है, किसी के लिए सामान्य, किसी को शुभकार्य भी होता है, तो उस हिसाब से इसका ग्रहण का शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्र में चर्चा है। और अपने यहाँ मिथिला में खासकर ग्रहण को लोग बहुत महत्व देते हैं। इस समय लोग भोजन नहीं करते हैं, कुछ पान नहीं करते हैं, प्रायः लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। ग्रहण काल में अन्न जल सब दूषित हो जाता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि यदि कोई सिद्धान्न दिन में किया है, बच गया है, भात पकाया है, दाल पकाया है, सब्जी किया है, भात बच गया है, तो उसको फेंकने के बजाय उसमें एक कुश एक होता है, दर्भ कहते हैं कुश, जिसका हर एक पूजा में कुश से ही आरंभ करते हैं, कुछ हस्त ही पूजा करनी चाहिए, देव कर्म हो चाहे पितृ कर्म हो, इसके बिना निष्फल माना जाता है। तो कुश डाल दिया जाता है, तो उससे लोग समझते हैं कुश में इतनी शक्ति है कि वह दूषित नहीं होने देता है, किंतु पान नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। यह सवाल ये है कि जो इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहे हैं और लोग गुरु की पूजा करते हैं उस दिन, इसका जो लक्षण है कितने बजे से शुरू हो जाएगा ताकि लोग पूजा कर सकें? उसके लिए कहा गया है कि चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण तो नाशनीयात पूर्वम जामत्रयम, 3 प्रहर पहले से ही भोजन, आसन, पान इत्यादि निषिद्ध माना गया, कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना चाहिए। 3 प्रहर, 1 प्रहर में 3 घंटे होते हैं। तो ये तो 11:55 में स्पर्श है, तो वह समय ऐसा है कि प्रायः लोग 7-8 बजे तक भोजन कर ही लेते हैं, तो 3 घंटा पहले तो, लेकिन 3 प्रहर कहता है, 3 या 9 घंटा ऐसा। लेकिन आज के युग में इसका आचरण, इसका व्यवहार यह संभव भी नहीं है और लोग करते भी नहीं हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो इसका पालन करते हैं। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व से ही, स्पर्श से पूर्व से ही सूतक लग जाता है, उसको सूतक बोलते हैं। तो सूतक लगने पर लोग कुछ खाना पीना ये सब नहीं करते। आगामी
शुक्रवार को रात्रि 11:55 से देर राति 3:49 अर्थात लगभग 4 घंटे चंद्र ग्रहण लगा रहेगा। इस विषय पर हमारे संवाददाता रमन कुमार ने संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर शिवाकांत झा से बात। विश्वविद्यालय थाना की ओर से मंगलवार को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विशेष रूप से ऑटो रिक्शा की चेकिंग की गई, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों ने हड़कंप मच गया। चेक होना जरूरी था सर। क्या चीज का कागज? मैंने परमिट है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, प्रदूषण है, लाइसेंस है। कब तक का परमिट है ये? 3 महीने के बाद सर फेल करें। अभी 3 महीना चला जी, सर। जी जी जी। आज का सर उससे पहले बना लेंगे सर। पहली बार परमिट चेक हो रहा है जी? नहीं, इससे पहले भी हुआ था कुछ दिन पहले। सपना है कि शहर में यातायात की व्यवस्था दुरुस्त हो और जितने भी बिना परमिट वाली गाड़ियाँ हैं, विशेष करके अभी ऑटो के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है कि जो गाड़ियां परमिट प्राप्त की हुई हैं वही चलें और जो बिना कागज़ के बिना परमिट के गाड़ियां चल रही हैं उनको उनका या तो परमिट वो बनवा लें या फिर शहर से बाहर हो जाएं और उन पर MBI एक्ट के तहत। अभी तो वैसा हमने नहीं किया है, हम लोग इसका जो है उसका रूल के अनुसार जो अभी तक हमने एक भी फाइन नहीं काटा है, फाइन तो उसका बहुत ज्यादा है, तो उसका रूल के अनुसार कार्रवाई होगी। स्थानीय MMTM कॉलेज में मैथिली अकादमी पटना की ओर से चलाई जा रही कैथी और मिथिलाक्षर कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कैथी भाषा के जानकार विजय शंकर मलिक सुधापति ने छात्रों को कैथी भाषा पर प्रकाश डाले। कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मगध, रांची, भोजपुर सहित विभिन्न जगहों से आए छात्र छात्राओं को कैथी और मिथिलाक्षर भाषा सिखाया जा रहा है। भोजपुरी वाले अक्षर लिख चुके हैं, समझ लिए हैं, तो मात्रा लगाना तो हमने बताया था कि सबको एक ही तरह का है। ये जो लिखा रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आती होगी? अक्षर में अगर कोई डिफरेंस होता हो, अगर कोई अक्षर में डिफरेंस होता हो, लगता हो कि इनके लिखने में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो फॉलो योर बेसिक राइटिंग। जो पहला दिन में लिखा दिया गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रूप जो लिखा दिया गया था, इन सातों को जो फॉलो किए हैं तो भोजपुरी वाले, भोजपुरी इलाके के वाले, इधर मगही इलाके वाले, या ये जो है आपका मिथिला क्षेत्र की क्षेत्रीय है। कैथी लिपि और मिथिलाक्षर दोनों दो चीज़ हैं, दो तरह के हैं। इसको सीखने वाले कॉमन भी हैं और अलग भी हैं। कुछ आदमी हैं जो सिर्फ कैथी सीख रहे हैं, कुछ आदमी हैं सिर्फ मिथिलाक्षर सीख रहे हैं, कुछ आदमी हैं जो दोनों सीख रहे हैं। जहाँ तक कहाँ के लोग हैं, यहाँ पर आपको दिल्ली से लोग आए हैं, रांची से लोग आए हुए हैं, इधर आपका मगध क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, भोजपुर क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और मिथिला के तो पूरा हैं ही। तो यहाँ सीखने वाले सब हैं, चाहे वो भोजपुर के हों, चाहे मिथिला के हों, या आपका दूसरे का। जहाँ तक हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें मिथिलाक्षर पढ़ाने वाले दूसरे हैं और कैथी पढ़ाने वाले हम। कैथी जब भी पढ़ाते हैं हम, तो आपका झारखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जितने भी तरह के कैथी में विविधता है, उस सारे को हम बताते हैं। हर जगह के अक्षर को बताते हैं और कॉलम वाइज बताते हैं।
जिससे कि कहीं के भी लोग हों वो अपने यहाँ के प्रचलित गैथी को लिखना सीख माने लिखना सीख लें, पढ़ना सीख लें और पढ़ लिख करके तब अपने घर के काम को समझे या उससे आगे लोगों को सिखावे, यही हम लोगों का मोटो है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।